आज के बड़े ओम तरह के स्काइप की प्ले लिस्ट कैसे बना रखा है पूरा एकदम प्रोसेस हो बता रहे हैं अगर फायदा का है अगर कैसे क्रिएट करे अपने चैनल वो खत्ती और इसे कैसे रखे का वीडियो आप कैसे क्रिएट करके रखे का पूरा हम बता वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लो ताकि तरह की पूरा जानकारी हो जाए। अब हम बहुत ईजी तरीके से बताने वाले हैं, हमारे एकदम नया चैनल है और नया हम प्ले लिस्ट बनवाना वाले हैं। तो ओके लिए सबसे पहले तो हम तरन खातिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर हम क्लिक करते हैं तो यहीं बगलियाँ तारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो ताकि तारन के पूरा पता चल जाए। तो ये यहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ये एक दो तीन और ये देखिए बगल में आ चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में जाने के बाद आपका जो सब चैनल है वो आपको सर्च कर लेना है, इसी में ऑन कर लेना है। जैसे मेरा है मिस्टर भोकाल वनियम है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, चैनल पे गया। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो पे जाना है। वीडियो पे जैसे शॉर्ट वीडियो का आप लगाना चाहें तो शॉर्ट वीडियो का भी कर सकते हैं और लॉन्ग का करना चाहें तो लॉन्ग का भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे मैं शॉर्ट का करना चाहता हूँ तो पहले मैं यहाँ थ्री डॉट यहाँ पे देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से नहीं हो रहा है तो इसके लिए शॉर्ट वाला नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेव टू प्लेलिस्ट, सेव टू प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा न्यू प्लेलिस्ट। न्यू प्लेलिस्ट पे मैं एक महीने पहले से प्लेलिस्ट बनाया ऑल वीडियो, तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। अभी मैं बताने वाला हूँ उसका फ़ायदा भी आ गया, तो वीडियो देखते रहिए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ प्राइवेट, यहाँ पे इसको मैं पब्लिक कर लेता हूँ, यानी कोई भी देखे, पब्लिक सब पब्लिक देखे। और इसका फ़ायदा क्या है, देखिए जो मैंने वीडियो चूज़ किया उसके हिसाब से मैं इसे रख लेता हूँ कि यूट्यूब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब एडिटिंग। यूट्यूब एडिटिंग यहाँ से हम क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन तरन का थोड़ा दिखाता हूँ, एक बार क्लिक करें और ये देखो यूट्यूब एडिटिंग आ गया। भानियक वीडियो है और आल वीडियो हमारे सात वीडियो है, सात वीडियो इस तरह से आपके प्ले लिस्ट बनाओगे। अब प्ले लिस्ट एक फ़ायदा का है, जैसे हम प्ले लिस्ट पर बार क्लिक करें तो यहाँ से हमारा पूरा ऑल वीडियो वो आएगा। अब ऐसे हमें ई क्लिक करें तो ऐसे आएगा क्यों तारे प्ले यह का कैटेगरी का दिन एक ऐसा कैटेगरी में रख लियो, जैसे कि ये तो बनावत हो ब्लॉग तो कोनो ब्लॉग तो ट्रैवल वाला रहता है तो कोनो होम वाला रहता है, कोनो ऐसे मतलब कैटेगरी रहता है। तो कैटेगरी जब रखियो तो तार कोनो भी सब्सक्राइबर आए प्ले लिस्ट क्लिक करी और पूरा वीडियो वो तो दिखा जाए और जो देखे मन कहीं देख ली। अब ये जैसे चैनल ऑफ फेरी तो नहीं मिली जल्दी टाइम लगी, ऐसे पार पूरा कैटेगरी रहता प्लस यहाँ से क्यों तुहार वीडियो वो स्टार्ट करी तो लगातार तुहार वीडियो वो स्टार्ट हो चला जाए, ये एक देखी दूसरका देखी तीसरका देखी चौथा प्ले लिस्ट देखी तब हाँ प्ले लिस्ट बहुत भेजा होता है तो एक ध्यान रखो। और प्ले लिस्ट यहाँ देखो यहाँ पे आइए ना, यहाँ व्यू वॉल पे क्लिक किए, व्यू वॉल पे क्लिक के बाद देखो प्ले लिस्ट पूरा आ गया, प्ले लिस्ट क्लिक कर दें पूरा यहाँ से पूरा सर्च मार के आ चुका है। और तो तारो ऐसा कह सकते हो अगर फ़ायदा हो तो तारन को बताए दें यूज थोड़ा के व्यूजे मिली यूज व्यूजे आवत है जे एकदम प्ले लिस्ट में घुस जाए वैसे देखा जाए। बहुत सारे क्रिएटर के देखे हुए कि प्ले लिस्ट बनाए रहते हैं, ये फ़ायदा प्ले लिस्ट में। अब देखो प्ले लिस्ट बना लेना हम आर्टिस्ट रूम जाए थे, पहले ऑप्शन नहीं आता रहा मतलब प्ले यहाँ से ना हम कह सकते हैं, जैसे हम ये वीडियो हुआ नहीं ई वीडियो हम चूज़ करी थे और वीडियो हुआ हम कहें और बाद एडिट पे गए, एडिट पे जाए के बाद यह देखो प्ले लिस्ट का ऑप्शन आ गया, एक भी एडिट कहें वो आ गया है। एकदम जब तू प्ले लिस्ट बना लियो तो तू आर्टिस्ट रोज कह सकते हो, यानी आर्टिस्ट रोज तू चेक कर सकते हो कि मतलब कौन हम ऐड करे चाहे कहें कौन नहीं ऐड करें कैसे ऐड करा का ऐड कर सकते यहाँ से क्रिएट ना कर सकते प्ले लिस्ट, लेकिन यहाँ से तुम्हारे ऐड कर सकते हो प्ले लिस्ट में, ये फ़ायदा है। तो प्ले लिस्ट जरूर से बनाओ क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फायदा होगा बहुत बेनिफिट है। तो प्ले लिस्ट बना लियो। तो फ्रेंड्स एक कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए ताकि फिर ऐसे मिले। और हाँ कोनो रिलेटेड तो हम वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, पूछ सकते हो, कोनो भी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखेंगे, थैंक यू, फिर मिलो, बाय बाय।